I've become an educator on an academy, India's largest learning platform. You can follow my courses there and download the Unacademy app now. In social media, print media and in various WhatsApp groups, I am sure आपने obviously देखा होगा ये जो नरेंद्र मोदी government की जो latest scheme है जो civil services में 10 positions create किया गया इन्होंने where they will appoint people directly in the rank of a joint secretary. इसके बारे में बहुत सारा discussion किया जा रहा है. Okay, so there are these 10 positions in departments such as revenue, financial services, economic affairs, agriculture, road, shipping, environmental, forest, climate change, new and renewable energy, commerce. यहाँ पे one position in each department. कोई लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपका age 40 and above है and आपका 15 years of work experience either in the government sector or in the private sector and which is exemplary in nature, तो ये लोग आपको joint secretary के रूप में 3 years के लिए recruit करेंगे, a tenure of 3 years which is extendable up to 5 years. And आपका grade pay इसमें rank 14 of the pay matrix होगा, जहाँ पे 1,44,200 होगा आपका basic pay. And इसमें pension का defined pension का 2004 से एक issue चल रहा है, so I'm not very sure कि pension का क्या इसमें obligations होगा. But basically this concept is noteworthy because India में अगर आप देखें तो बासवान कमेटी 2016 में जो बना था उसने बहुत क्लियर बोला था कि 20% शॉर्टफॉल है पूरे कार्डर में इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स हु कैन एक्चुअली वर्क इन द थिंग. एंड बिहार, राजस्थान, एमपी में देर आर दिस 75 to 100 वैकेंसीज इन ईच स्टेट जो फुलफिल ही नहीं हो पा रही है, जहां पे टैलेंट का इतना बड़ा क्राइसिस है. सो व्हाई कांट द गवर्नमेंट इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, फॉर एग्जाम्पल इफ इट कैन एड दिस थ्रू द यूपीएससी या एक बैंक ब्यूरो बोर्ड जैसे बीबीबी जैसा कुछ बना दे. इन सच केसेस अगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में वो लैटरल टैलेंट को इंडक्ट करे तो इट कैन बी अ गेम चेंजर. बिकॉज अगर एक सिविल सर्वेंट एट द एज ऑफ 25-26 डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में घुसता है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के वजह से नेक्स्ट 15 इयर्स में उसका कैपेबिलिटी काफी हद तक यू नो इज अ बिग क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ सो मच इंटरफेरेंस. की अब उसका विजन भी यही होता है कि आई नीड टू सर्वाइव इन द सिस्टम बिकॉज 53% ऑन एन एवरेज officers in the administrative services are transferred every 1 year. So, इस केस में अगर आप आउटसाइड टैलेंट लेके आए, फॉर एग्जाम्पल नंदन नीलकनी जिन्होंने यूआईडीआई का पूरा फेस ही बदल दिया, नेटवर्क आधार इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया टू दी पीक लेवल, अगर वैसा हो तो इट इज फंटास्टिक. अगर आप ग्लोबल प्रीसीडेंट्स भी देखें तो देर आर कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जहां पे लैटरल एंट्री का स्कीम इज इफेक्टिव एंड इट इज हेल्पफुल. बिकॉज क्या होता है कि 15 ईयर अगर प्राइवेट सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल समवन हु हैज इम्प्लीमेंटेड द रिलायंस जामनगर प्रोजेक्ट, तो उसका जो एक इम्प्लीमेंटेशन स्किल होगा जी प्रोजेक्ट हेड, एंड इफ दैट पर्सन इज विलिंग टू वर्क इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, आई मीन ऑफ एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट ओनर सचिन मंसल, हू माइट वॉन्ट की भाई मैं हैव क्रिएटेड अ $17 बिलियन एंटरप्राइज, नाउ एग्जिटेड, नाउ आई वॉन्ट टू वर्क इन द एरिया ऑफ गवर्नेंस फॉर 5 years. तो इनका जो विजन होगा, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज होगा, दैट इज समथिंग विच द नेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम. बट हाँ, इसमें चैलेंजेस ये हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मेथड में क्या सिलेक्शन होगा, बिकॉज इंडिया में ये कंसेप्ट 1957 से 1977 पे भी एप्लीकेबल था, जहां पे उन्होंने एक आईएमपी बनाया था, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल. वहां पे देर आर पीपल विच आई रीड ऑनलाइन इज दैट पीपल हु आर वेरी गुड, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर पी एल टंडन, जिन्होंने एक एमएनसी को छोड़ के स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के रूप में उन्होंने पद संभाला था एंड ही कुड डू रियली सम फैंटास्टिक वर्क. बट देन क्रिटिक्स आर सेइंग कि ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज बाईपासिंग द आर्टिकल 309 ऑफ पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिफाइन करता है कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स हैव टू नेसेसरीली गो थ्रू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो जो इनकम्बेंट्स हैं जिन्होंने ये स्ट्रिक्ट प्रोसेस को क्रैक करके वो वहां घुसे हैं, दे आर सीइंग दिस एज अ थ्रेट टू ऑल देयर हार्ड वर्क एंड ऑल देयर फिफ्टम ओवर द प्रोसेस, तो दे आर फाइटिंग इट टूथ एंड नेल. बट अगर आप इंडिया में देखें तो 1965 में जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी था, या 2005 में जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी था, या सुरेंद्रनाथ कमेटी या हुडा कमेटी, एवरीवन हैज रिकमेंडेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नीड टू बी रिफॉर्म्ड बिग टाइम. तो उसमें आपको इस माध्यम से आई थिंक इट कैन बी अ फैंटास्टिक मेथड टू डू इट, प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट इज एबल टू पुट इन चेक्स एंड बैलेंसेज टू इंश्योर कि ये सर ना हो कि कॉर्पोरेट्स अपने नॉमिनीज को यहाँ पे अपॉइंट कर दें, चेला चपाटीज को और क्रोनिज्म घुस जाए यहाँ पे, क्रोनी कैपिटलिज्म. सो दैट इज समथिंग दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन द रन अप टू द 2019 इलेक्शंस
needs to be very careful about कि इस process का transparency क्या होगा. Otherwise ये industrial management pool का जो process था वो पूरा fail हो गया because of the corruption in the selection process. तो वो ना हो जाए यहाँ पे. So that is something. And plus क्या है यहाँ पे stability of tenure का एक बहुत बड़ा issue है कि I am well settled. Let's say in a Hindustan Unilever at the age of 40 and I have done fantastic work. Now if you appoint me in the civil services at the position of joint secretary but only for a period of 3 years extended up to 5 years to jab mera age 45 ho jayega fir main kya karunga. So that is something which becomes quite a challenge. The government has to give careful consideration to that ki bhai aap ek bar kisi ko le rahe ho to can you give him an extended tenure let's say up to his retirement or make sure that once he wants to get back to the private sector the government facilitates that thing. तो वो वाला चीज़ एक आपको समझना पड़ेगा. And I think it's an exciting times because we are experimenting with change, something which inertia can never bring. तो I am very excited. Let's see how this process comes up. इसका कोई courts में probably it will be challenge as well because constitutional validity is in question. Maybe the Narendra Modi government can bring in an ordinance to. मतलब I mean it's going to be a fight between two warring camps. So let's wait with bated breath for it. Thank you so much. Agar aapke paas kuch bhi comments ho iske liye please put it in the section below and I shall be happy to answer.